अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और जी आज मैं आप लोगों के साथ कोई कुकिंग वगैरह नहीं कर रही, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी हैप्पीनेस। कुछ दिन पहले यहाँ ओमान में एक ओमान नेशनल डे पे कॉन्टेस्ट आया था और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और लकीली आई वन दैट कॉन्टेस्ट। डेलिशियो एक ओमान की ब्रांड है सॉसेस की, और इनकी जो ब्रांड है इसमें अमेजिंग जो है इन्होंने मुझे गिफ्ट हैम्पर जो है भेजा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं डेलिशियो जो यहाँ की ब्रांड है ओमान की उनको थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू सो मच डेलिशियो फॉर सेंडिंग मी दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर। आई लव ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ ये थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग है, और आपको तो पता ही है कि थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग जो है वो सैलड में आप लोग यूज कर सकते हैं, टाकोस में यूज कर सकते हैं, सी फूड, बर्गर, सैंडविच, तो जो भी आप बनाते हैं उसमें वो यूज होती है और ये बहुत मजे की होती है और बच्चे भी इसे शौक से खाते हैं। उसके बाद जो है ये इन्होंने डेलिशियो वालों ने भेजी है अरबियाटा सॉस, और अरबियाटा सॉस जो है ये टोमेटो से, गार्लिक से और मिंट से जो है ये थोड़ी बनाई जाती है, और इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी किस्म का पास्ता बनाएं घर में और कुछ भी बनाएं उसमें यूज होती है। इसके अंदर चिलीज होती हैं, शुगर, ऑयल और ऑनियन और मिक्स हर्ब्स, और बहुत ही मजे की जो ये सॉस है ये बनती है। तो घर में जब ये आपको क्विक एंड इजी कोई रेसिपी इस तरह बनानी हो पास्ता की तो आप उसमें जरूर ये यूज कर सकते हैं। और ये इसके बाद देखिए ये है फ्रेंच ड्रेसिंग। फ्रेंच ड्रेसिंग तो आपको पता होगा, आप किसी भी ये ड्रेसिंग है फ्रेंच ड्रेसिंग, इसको आप किसी भी किस्म की जो सैलड्स वगैरह आप लोग बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच स्प्रेड्स बनाते हैं, लोप स्प्रेड्स बनाते हैं, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये देखिए मुझे डेलिशियो वालों ने थ्री टाइप्स की जो है मायोनीज भेजी है। ये जो है ये है गार्लिक मायोनीज है, और ये जो है इनकी ये चिली मायोनीज है, और साथ में ये वाली जो है इनकी रियल मायोनीज है। तो थ्री टाइप्स की जो है इन्होंने मुझे ये मायोनीज भेजी है। आप इसको मिक्स करके इसका कॉम्बिनेशन बनाकर भी इसको आप किसी भी बर्गर्स वगैरह में, सैंडविच में इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप सिंपल बना लें, अगर आपको चिली वाला चाहिए तो चिली वाला बना लें, ये आपकी जो है वो टोटली चॉइस है। और ये जो है डिलिशियो वालों ने टोमेटो केचप है ये भेजी है, और टोमेटो केचप तो आपको पता ही है कि हर चीज में आप लोग यूज कर सकते हैं, और किचन जो काउंटर है वो जो केचप है उसके बगैर इनकम्प्लीट होता है। और ये जो है इन्होंने मुझे भेजी है लेमन प्रिकल सॉस, और लेमन प्रिकल सॉस से आपको तो पता चल रहा होगा लाइक ये थोड़ी सी खट्टी होगी लेकिन बहुत मजे की लगती है, लाइक इसको आप शावरमास में यूज करें, आप इसको ट्विस्टर्स में यूज करें, बहुत ही मजे की लगती है ये। और ये मैं आपको बताती हूँ, देखें बारबेक्यू सॉस जो उन्होंने मुझे तीन फ्लेवर्स में भेजी है, और मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी है ये। अच्छा जो फर्स्ट वन है ये स्मोकी बारबेक्यू सॉस विद स्वीटेंड डेट्स। अब आप खुद सोचिए कि इसमें डेट्स हैं, डेट्स की वेरिएशन इसमें की हुई है, और ये सॉस कितने मजे की खट्टी मीठी सी होगी, और आप उसको बारबेक्यू में भी यूज कर सकते हैं मैरिनेशन में, और इसको आप लाइक जैसे स्वीट एंड सॉर चिकन बना रहे हैं, लॉलीपॉप्स बना रहे हैं, विंग्स बना रहे हैं तो उसमें भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगी। और ये भी है जी हनी बारबेक्यू सॉस थिक एंड स्वीट, और ये भी देखें आप इसको विंग्स वगैरह जो आप लोग बनाते हैं उसमें यूज कर लें, और बच्चों को इस तरह की चीजें पसंद भी होती हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन करके कुछ भी आप इसको किसी भी उसमें यूज कर सकते हैं। लाइक इसको आप बना रहे हैं जी चाइनीज बना रहे हैं, इटालियन बना रहे हैं, किसी भी उसमें इसको आप मैरिनेशन में एज अ सॉस इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये जो थर्ड वन है ये स्पाइसी बारबेक्यू सॉस है, फ्लेवरफुल बट नॉट हॉट, लाइक ये इतनी ज्यादा स्पाइसी नहीं है, और इसको भी आप बारबेक्यू में चिकन वगैरह बनाएं, कुछ भी बनाएं, लाइक फिश में भी यूज कर सकते हैं, बारबेक्यू फिश बना लें, बारबेक्यू चिकन बना लें, स्टेक बना लें, स्टेक में भी यूज होती है, बारबेक्यू स्टेक बनता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है पर उन्होंने मुझे भेजा है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा एक और भी मैंने अभी देखा, तो ये इन लोगों ने, मैंने आपको स्टार्ट में भी जैसे बताया था कि मुझे थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग जो है इन लोगों ने मुझे भेजी थी, और ये इनका जो है बड़े वाली बॉटल है, ठीक है, और ये जो सेकंड है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी ये देखिए ये छोटी वाली, तो ये भी इन्होंने बड़ी भी भेजी है मुझे, साथ में लार्ज वाली भी और स्मॉल वाली भी भेजी है।
ये जी एक और है रैंच ड्रेसिंग। रैंच ड्रेसिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत मजे की घर में भी बनाई तो बनती है, और मैं इसको खुद घर में भी बनाती हूँ और बहुत मजे की बनती है, और ये बहुत ज्यादा लाइट सी होती है। और रैंच तो आपको पता है, रैंच ड्रेसिंग जो है आप लोग नगेट्स के साथ, पॉपकॉर्न्स के साथ, लाइक पिज्जा टॉपिंग और विंग्स में आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये देखें, ये है चिपोटले सॉस। चिपोटले सॉस जो है रेड, जो कश्मीरी मिर्च होती है, रेड कश्मीरी चिली जो होती है, उससे बनाई जाती है। लाइक थोड़ी स्पाइसी होती है, लेकिन ये बहुत मजे की होती है। और आप इसको फ्राइज में, चिकन बनाए, चिपोटले चिकन बनाए, चिपोटले मैं इसकी बनाती होती हूँ, चिकन एंड चिपोटले ब्रेड, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगी, उसमें आप यूज करें, बहुत मजे की लगती है। और ये देखें स्पाइसी पेपर गार्लिक ड्रेसिंग है, और ये आपको पता है कि पेपर गार्लिक सॉस जो है एज अ सैलड ड्रेसिंग आप लोग यूज कर सकते हैं, एज अ डिप्स यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। देखिए मुझे डिफरेंट टाइप्स के जो है एसेंस भेजे हैं और कलर्स भेजे हैं। सबसे पहले मैं आपको फूड कलर्स बता रही हूँ। ये ग्रीन कलर है, और ये जी है रेड कलर, जो मोस्टली मैं अपने किचन में यूज करती हूँ, और ज़्यादा वगैरह के लिए भी ग्रीन और रेड कलर तो मुझे ज़रूर चाहिए होता है। और साथ में ये है ब्लू कलर, और ये है पाइनएप्पल एसेंस। और पाइनएप्पल एसेंस आपको पता है, आप पाइनएप्पल डिलाइट बनाएं, सूफले बनाएं, पाइनएप्पल मूस बनाएं, पाइनएप्पल पुडिंग बनाएं, उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। पाइनएप्पल केक्स बना रहे हैं, और पैनकेक्स बना रहे हैं, कपकेक्स बना रहे हैं, कुछ भी बनाएं आप उसमें यूज कर सकते हैं एज अ फ्लेवर। और ये तो आपको पता है कि हर किचन की जरूरत होती है वनीला एसेंस, जहाँ बेकिंग होती है तो वनीला एसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये वनीला एसेंस हम लोग इसलिए डालते हैं बेकिंग में, केक्स वगैरह में, अपने बिस्किट्स में, ताकि वो जो एग की स्मेल होती है वो ना आए, तो इसलिए जो ये ज़रूर यूज़ किया करें आप लोग। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इन्होंने, अमेजिंग सा मुझे डेलिशियो ने गिफ्ट हैम्पर भेजा है। तो मुझे आज आप लोग बताइएगा कि मेरा आज का ये ब्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे इंशाल्लाह आपको इसका यूज़ करना भी ज़रूर सिखाऊंगी। तो मेरे चैनल पे जितने लोग नए आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन के साथ, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच वंस अगेन डेलिशियो फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।